हाय एवरीवन, इट्स संदीप हियर फ्रॉम वेट शेक फैक्ट्री। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में हमें ऑलमोस्ट लास्ट 5 to 6 मंथ से क्वेरीज आ रही हैं कि सर शुगर कितना लेना चाहिए, कितना शुगर हमारे लिए सेफ है एंड कितना शुगर हम डेली बेसिस पे ले सकें लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मच शुगर इज़ हेल्दी फॉर यू। देखो, अब टॉपिक से स्टार्ट होने से पहले मैं बताता हूँ कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक रिसर्च टीम है जिन्होंने रिसर्च करके बताया था कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए कितने शुगर पर डे मैक्सिमम कितने शुगर पर डे वो ले सकते हैं। अगर वो मेंस की बात करें तो वो ऑलमोस्ट आपका आ जाता है 150 कैलोरीज, दैट इज 37.5 ग्राम, या कह सकते हैं आपका 9 to 10 टीस्पून होता है। वहीं फॉर वुमन के लिए उन्होंने बोला था ऑलमोस्ट 100 कैलोरीज। 100 कैलोरीज का मतलब 25 ग्राम कह सकते हैं या आप 6 टीस्पून। इतने शुगर लेने का मतलब हुआ कि अगर आप एक कोक की बोतल लेते हैं, कोक पीते हैं, तो उसमें आपका 10 टीस्पून शुगर होते हैं, विच इज़ बहुत ज़्यादा शुगर जो आपको हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम एंड एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम देते हैं जो हम लेटर ऑन वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब शुगर जो एडिड शुगर होते हैं, इसमें पहली बात की कैलोरीज होते हैं बट दे आर एम्प्टी कैलोरीज, मीन्स कि ये आप कैलोरीज भी देंगे बट कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं देंगे, ना ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आएगा आपकी बॉडी में, ना ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। सो दे आर द वर्स्ट इंग्रीडियंट विच यू कैन टेक ऑन अ डेली बेसिस, दैट इज एडेड शुगर। एडेड शुगर आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अब टू मच अगर आप शुगर लेते हैं, स्पेशली आप एडेड शुगर लेते हैं, तो उसके प्रॉब्लम क्या आता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमें पता है वो है वेट गेन। वेट गेन हमारा होगा क्योंकि कैलोरीज एम्प्टी मिलेंगी, कोई न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो वेट बढ़ने लगा। सेकंड है ओबेसिटी। ओबेसिटी जो वेट गेन के अभाव आता है, जब एक्सेस ऑफ शुगर लेंगे ओबेसिटी होगी, ओबेसिटीज होंगी तो आपको एन नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम होंगे लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटिक्स की प्रॉब्लम, तो ये एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं। और एक्सेस शुगर लेने के एक और भी लॉस है, वो है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स या मोस्ट ऑफ द पीपल जो एक्सेस शुगर ले रहे हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज पाया गया है, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको एक्सेस एडेड शुगर नहीं लेना चाहिए। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि एडेड शुगर या नेचुरल शुगर में क्या डिफरेंस। सी, एडेड शुगर का मतलब होता है जो शुगर आप ऐड कर रहे हैं, जैसे आप प्रोसेस फूड खाते हो, आप बिस्किट्स खा रहे हो, आप केक खा रहे हो, आप डोनट्स खा रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आप सोडा ले रहे हो, इसमें शुगर ऐड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एडेड शुगर। नेचुरल शुगर आपका फ्रूट्स में आता है या वेजिटेबल्स में आता है। फ्रूट्स में जो भी फ्रूट्स आप खाते हो, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, कोई भी फ्रूट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, वाटरमेलन हो गया, मस्कमेलन हो गया, इसमें नेचुरल होते हैं शुगर एंड नेचुरल शुगर आर मच बेटर। एडेड शुगर का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि एक तो इसमें आपको एम्प्टी कैलोरीज मिलती है, सेकंड इससे आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको शुगर ऐड करना है तो कोशिश करें कि पर डे अगर आप एडेड शुगर ऐड कर रहे हो तो मैक्सिमम आपको यूज़ करना चाहिए 10 ग्राम। फॉर मैन एंड फॉर वुमेन ऑल्सो इट शुड बी 8 ग्राम, मतलब 2 टीस्पून होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप शुगर कंज्यूम करना चाहते हो तो इन दैट केस आई विल रिकमेंड कि आपका जो नेचुरल शुगर से कंज्यूम करो, लाइक आप फ्रूट्स कंज्यूम करो एज मच एज यू कैन, आप वेजिटेबल्स कंज्यूम करो। अगर आपको उसके बाद भी क्रेविंग होती है शुगर की तो हनी इज द बेस्ट वे टू कंज्यूम शुगर। दैट्स इट फॉर टुडे। कोई क्वेरीज होंगी, कोई आपको कोई डाउट्स होंगे अबाउट शुगर की, आप कितना शुगर ले रहे हो और क्या किसी चीज़ के बारे में पूछना है कि आपको इसमें शुगर से ज़्यादा है कि नहीं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और अगर आप अभी भी वेट लॉस आपका नहीं हो रहा, कोशिश करो कि आपका वेट रिड्यूस हो जाए, उसके लिए आप कई डाइट ट्राई कर सकते हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हो या उस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हो। वी विल चेक, आपसे डिस्कस करेंगे थ्रू कॉल, और कोई क्वेरीज होंगी तो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। टिल देन बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर देना और एडेड शुगर जितना भी हो सके अपना रिड्यूस करो। बाय, टेक केयर।